आपको अचार बनाने में क्या मुश्किल पेश आती है? आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक छोटी सी फैशन इंडस्ट्री है, तो यहाँ लोगों को अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। जो मिलते भी हैं वो ज़्यादा लेस फंडिंग में मिलते हैं या लोगों को मिसयूज़ करने में मिलते हैं। ठीक है, मैंने जो अपना फील एंड प्रोडक्शन का अपना एक बुनियाद रखी है वो यही रखी है कि यहाँ पर आर्टिस्ट को इज्जत मिले, काम मिले, उसके घर का चूल्हा चले। ठीक है, फील एंड प्रोडक्शन का बेसिक यही है कि हम लोगों को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया है सील एंड प्रोडक्शन को जो है वो आपने रन कर रहे हैं और मॉडल्स के लिए काम कर रहे हैं, कितना टाइम होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, सील एंड प्रोडक्शन ने पिछले साल जुलाई में बुनियाद रखी थी और एक साल का पूरा अर्सा हो गया हमारा। आगे फैशन शो जो है सीजन डिमांड नहीं है मेरे मुताबिक, और इंशाल्लाह सील एंड प्रोडक्शन अपकमिंग डेज में भी एक मजीद धमाकेदार भी इंशाल्लाह काम करेगी इंशाल्लाह। चले जी, हमें इंतजार रहेगा सील एंड प्रोडक्शन की तरफ से एक और मजीद धमाकेदार शो होने का। तो अच्छा, हमने यहाँ से कमरान मुनीर से ये भी पूछना है कि हमें बताएं जब आप मॉडल्स देते हैं, हायर करते हैं, तो उनके चार्जेस भी होते होंगे, कोई किसी की ज्यादा होते होंगे, किसी कम होते होंगे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मॉडल्स के चार्जेस के जैसे आप पे करते हैं, कोई डिमांड ज्यादा करती है, कोई कम करती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मॉडल को इज्जत से काम मिले तो अगर उनको रिस्पेक्ट दी जाए, ठीक है, तो मेरा ख्याल है पैसों का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। बेसिक हर इंसान यही चाहता है कि अपने पेट की खातिर जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से डील किया जाए, खुशी खुलासी से पेश आया जाए, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिल्म स्टार और आप देख रहे हैं इंतजार एंटरटेनमेंट। वेरी गुड। सोशल मीडिया पे कितना काम कर रहे हैं, क्या आप सोशल मीडिया पे किसी ऐप पे काम कर रही हैं? टिकटॉक वाली है,
ऐसे जी जी शाम आपको कैसा लगा? हमारे बहुत अच्छा लग रहा है, दो साल हो गया जिला के साथ काम करते हुए, मैं जिला मैनेजमेंट भी करता हूँ, बॉर्डिंग वगैरह भी करता हूँ, और मतलब बहुत मजा आता है, न्यू फेसेस मिल रहे हैं, नया टैलेंट मिल रहा है, लोगों में मेरी मेहनत आ रही है, इस तरह के इवेंट ज्यादातर होने चाहिए पंडित इस्लामाबाद में। और और हमें इस तरह के इवेंट करना चाहिए ज्यादा, शादी हाल पार्टी वगैरह होने चाहिए, इस तरह के फैशन शो होने चाहिए, हमें इजाजत मिलनी चाहिए। तो बस जी जैसे कि आप हमें बता रहे थे कि कोरोना वायरस काफी खत्म होने के बाद हम लोगों ने एक इवेंट किया है, और इस इवेंट में फैशन शो ब्राइडल शो है, और इस तरह की जो मॉडलिंग है, इस तरह की इवेंट होनी चाहिए, इस तरह से हमारे एक्टर्स को, हमारी सकाफत को जो है वो प्रो तू देख परे तो क्यों तो आप मुझे ये बताएं, आप इस फैशन शो में क्या कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं, इवेंट कर रही हैं? एक्चुअली मेरे दो वॉक है, एक तो वेस्टर्न है जो अभी आप देख रहे हैं, मैंने पहना है, जिसका इसके बाद ब्राइडल वॉक होगा इससे पहले भी लेकर, मेरे दो वॉक है। मजीद आप कितने प्रोजेक्ट करने वाले हैं और कितनी मैम के साथ आपको काम करती कैसा लग रहा है, क्योंकि इसकी जो सी ओ कामयाब हो रही है, उनके साथ आपको कैसे अच्छे बहुत ज़बरदस्त। इसका रिजल्ट ये है कि इस तरह से शो होने में कितनी मदद मिलती है एक मॉडल को, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत सारे एक तो देखते हैं पाकिस्तान में
बहुत कम होती है एंड स्पेशली जो यंग मॉडल्स होते हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़रूरी होता है इसके साथ एंटरटेनमेंट। सो अगर तो अभी कम शो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है मॉडलिंग से रिलेटेड या एक्टिंग से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कि आपको सी लाइन प्रोडक्शन की जानब से जो इस्लामाबाद में शो नसीब हुआ आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे सी लाइन प्रोडक्शन की एक अच्छी अफेट है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अरसे के बाद आपको पता जैसे कि कोरोना का जो है वो एक बात जो थी वो पूरी दुनिया में फैली हुई है और एसओपीज के तहत तो इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और फिर मास्क भी दिए हैं और ये प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी है और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और मेरे ख्याल में ये एक हम लोग जो इतनी टेंशन में इतनी परेशानी में थे ये हम लोगों को उस परेशानी से निकालने की एक अच्छी अपेक्षा। तो सपना जी आप तो खुद भी आर्टिस्टों के लिए काफ़ी काम करती हैं, प्लेस बनाती हैं, डायरेक्शन देती हैं, काफ़ी काम करती हैं, तो आप बताएं कि आपको जो है ये जो शो हो रहा है आपको कैसा लग रहा है और आगे आपका कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, हमें किसका इंतजार करना चाहिए? आज की प्रोडक्शन आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि लोग जो बेचारे टेंशन में परेशानियों में हैं, महंगाई होगी वैसे भी आजकल आपको पता है काफ़ी लोग बेरोजगार हैं और काफ़ी टेंशन में है, तो ये ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि लोग जो है टेंशन फ्री हो सके और हम भी अपने प्रोडक्शन जो है इंशाल्लाह हमको ईद जो है ईद पर जो है ना अच्छा ड्रामा अच्छा प्रोग्राम ला रहे हैं और आप सब लोग बहुत इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सपना शाह और आप देख रहे हैं इंतसाब एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। उनसे पूछते हैं मेकअप आर्टिस्ट की उनको कैसा लगता है, नाम क्या है? और हम इनके फॉलोअर्स पे इवेंट प्लान कर रहे थे ड्यू टू रेनी डे, बारिश का सीन हो गया था तो हमने यहाँ पे पोस्टपोन किया। मनीष साहब एंड डॉक्टर राजा साहब आर्टिस्टों को बहुत सपोर्ट करते और हमारे साथ सो मनीष आजकल जो क्राइसिस चल रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं? और आप खुद बताएंगे कि मैंने कैसा जी, आपने तो बहुत खूबसूरत किया, हर मॉडल को आपने निखारा है उसको और खूबसूरत बनाया है। मुझे ये बताएंगे आप टीम में आपकी ब्राइड्स के साथ और मॉडल के साथ एक्सपीरियंस होता है डिफरेंट हर मॉडल का, उनके मेकअप नहीं कर मैंने आज इनमें कोई केकी मेकअप नहीं दिया, कोई मॉडल वाला वो जो हाई प्रोफाइल होता है वो नहीं, मैंने सॉफ्ट इनको लुक दिया है, शिमरी ग्लिटरी जो आजकल के वेदर के हिसाब से जो इन है वो मैंने मेकअप किया और बिल्कुल कोई सब मॉडल मेरी बहुत हैप्पी है कि आपने अब मुझे कोई ऐसे भूत नहीं बना दिया, कोई ऐसे अवल मेकअप नहीं कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और सॉफ्ट मेकअप है। और जो ब्राइड के लिहाज से ब्राइड का तरह होता है जब आप ऑफिस फ्रंट में ऑडियंस का होता है और ये कैमराज का होता है तो मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट शमीम फजल, आप कहते हैं इंतसाब एंटरटेनमेंट।